आज भी दोस्तों शुरू करते हैं आज की खबरों को जानने का सिलसिला ZX न्यूज के साथ। शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, जो इस वक्त की ब्रेकिंग खबर निकल कर आ रही है, जो प्रभावित करने वाली है भारत और अमेरिका जैसे देशों को, क्योंकि अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर हमला हो चुका है। ये हमला बहुत बड़ा ऐलान कर रहा है तालिबान की तरफ से। तालिबान ने कंधार एयरपोर्ट पर हमला किया है तो कंधार के अंदर रहने वाली अशरफ घनी की सरकार भी हिल सी गई है, क्योंकि कंधार एयरपोर्ट पर हमला यानी कि अशरफ घनी के ऊपर हमला है। क्योंकि अगर यहां पर हमला हो जाता है तो जो इंटरनेशनल फ्लाइटें, अगर भारत ने भी, अगर अमेरिका ने भी, और या फिर दुनिया के किसी और देश ने भी, अगर अफगानिस्तान की सरकार को असला बारूद देना है तो कंधार के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही जो फ्लाइट्स हैं वो लैंड करेंगी। लेकिन कंधार के हवाई अड्डे पर 3 रॉकेट दागे गए हैं, जिस कारण से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ऐसा लग रहा है कि तालिबान के शरारती तत्वों ने कंधार के अंदर भी घुसपैठ कर दिए हैं और इसी के चलते अफगानिस्तान सेना और तालिबान के बीच जंग अब और भी तेज हो गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, इस वक्त की ब्रेकिंग खबर आ रही है। अब आप क्या कहना चाहेंगे कंधार एयरपोर्ट पर हुए इस हमले के ऊपर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या कहना चाहेंगे। चलते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। यह खबर जुड़ी हुई है ओलंपिक में महाशक्ति और महिला शक्ति के ऊपर। दोस्तों टॉप 5 देशों की, जो ओलंपिक के अंदर टॉप 5 देश है ना, वहां पर महिलाओं ने पुरुषों को हरा कर रख दिया है। महिलाओं की परफॉर्मेंस वाकई में ही बहुत ही बेहतरीन रही है ओलंपिक के अंदर। आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं, ये आंकड़ों के जरिए बताया गया है, दैनिक भास्कर का एक आउटलेट है जिसमें बताया गया है कि टॉप 5 देशों की महिलाओं ने पुरुषों से 67% ज्यादा मेडल जीते हैं। भाई साहब, पुरुष तो पीछे रह गए हैं महिलाओं से। ना जाने पुरुषों को आज किसकी लत लग गई है कि वो मेडल ही नहीं जीत रहे हैं। और ये हाल भारत का नहीं है, टॉप 5 देशों का है। अमेरिकी महिलाओं ने पुरुषों से 3 गुना ज्यादा मेडल जीते हैं भाई साहब, और चीनी महिलाओं ने दुगने जीते हैं। आइए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। चीन ने 42 मेडल जीते हैं महिलाओं ने, और पुरुषों ने जीते हैं 23 मेडल, डबल हो गया ना यहां पर फिगर। जापान ने 28 महिला मेडल जीती है और 20 मेडल जीते हैं पुरुषों ने। अमरीका ने 60 मेडल महिलाओं ने जीते हैं, 18 मेडल पुरुषों ने जीते हैं। वाह, क्या कमाल कर दिया है दुनिया की सुपर पावर अमेरिका ने। महिलाएं हैं आज एक बार फिर से लौट रही हैं ताकत के अंदर। और ये देखिए कि महिलाएं पहले जो घर का काम किया करती थी, वैसे ही वो बहुत एक्सपर्ट हुआ तक करती थी घर के कामों में, लेकिन जैसे ही उन्होंने घर का काम छोड़ा है वैसे ही खेलों का दामन पकड़ा है, उनमें भी वो एक्सपर्ट हो गई हैं। और अब तो महिलाओं की टक्कर हो रही है ओलंपिक के अंदर। रूस के अंदर भी देख लीजिए, 31 मेडल महिलाओं ने जीते हैं और 30 मेडल पुरुषों ने जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी 33-25 का आंकड़ा है। अब ओलंपिक टैली पर नजर बना ही लीजिए, भारत का नंबर कौन सा है। दोस्तों पहले नंबर पर है चाइना। ऐसा लगता है कि महाशक्ति अमेरिका को भी इसने हरा दिया है 22 गोल्ड मेडल के साथ। अमेरिका दूसरे नंबर पर 19, और जिस देश में ओलंपिक हो रहे हैं जापान, वो तीसरे नंबर पर है 17वें नंबर पर। भारत का नंबर 61वां है, खाता नहीं खुला है। क्या कहना चाहेंगे, चलते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। ये खबर जुड़ी है चाइना से। चाइना में फिर से पैर पसार रहा है कोरोना। 15 शहरों में डेल्टा वेरियंट का विस्फोट। नानजिंग एयरपोर्ट का स्टाफ संक्रमित होने से सभी फ्लाइटें सस्पेंड। दोस्तों डेल्टा वेरिएंट ने भारत के अंदर दूसरी लहर का एक वो कारण बना था, तीसरी लहर के ऊपर भी एक खतरा डेल्टा के कारण खतरा रहा, मंडरा रहा है, लेकिन चाइना को चपेट में पहले ही ले चुका है। और नानजिंग में कोरोना के करीब 200 केस एक दिन के अंदर मिले हैं। बीजिंग में 175 दिन बाद केस में अचानक बढ़ोतरी हुई है, और देश की, चाइना जैसे देश की 40% आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन फिर भी फिसड्डी हो रहे हैं मामले। हालांकि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कल ही कई नेताओं को अपने घर पर बुलाकर इमरजेंसी मीटिंग की है, और वो नहीं चाहते हैं कि चाइना के अंदर इस तरीके का विस्फोट हो। यही कारण है कि नानजिंग के 90 इलाके की आबादी का कोरोना टेस्ट चीन करने लगा है। हालांकि जापान, थाईलैंड और मलेशिया में भी कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का कहर जारी है। अमरीका में कल 1,00,000 नए केस रजिस्टर किए गए थे। हालात बहुत खराब है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़े अमरीका से। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने अमेरिका पहुंचे अफगानों का किया धन्यवाद।
धन्यवाद कहा, घर में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान से करीब 200 से ज्यादा लोग अब निकालकर अमेरिका की आर्मी के बेस के अंदर पहुंचा दिए गए हैं और यहां पर उनकी एक खास ख्याल रखा जा रहा है अमेरिका की सेना के द्वारा। दरअसल अमेरिका की सेना जब 20 साल पहले अफगानिस्तान के अंदर गई थी तो जो ट्रांसलेटर थे, हालांकि अमेरिकी सेना को तो पश्तूनों की भाषा नहीं आती है, उर्दू भी नहीं आती है, तो उस सिचुएशन में जो ट्रांसलेटर थे उनको हायर किया गया। जिन लोगों को इलाके की समझ थी, रस्तों का पता था, उन लोगों को हायर किया और जो लोग अमेरिकी सेना के साथ मिलकर काम करते थे उन्होंने अपनी जान को तली पर रखा था, क्योंकि उस समय तालिबान का कब्जा था और अमेरिकी सेना के साथ मिलकर वो अपनी जान को खतरे में डालकर अफगानिस्तान के अंदर मिशन कर रहे थे। यही कारण है कि अमेरिका ने उनकी एक जिम्मेवारी को समझा है और उन्हें अफगानिस्तान से निकालने का ऐलान किया है। यही कारण है कि 200 लोगों को निकाला गया है। आप कहेंगे कि ये इनके लिए जरूरी क्यों है? दोस्तों, अमेरिका ने यहां पर उन लोगों का कर्जा चुकाया है, क्योंकि उस समय जब तालिबान का कब्जा था उन लोगों ने अमेरिकी सेना की मदद की, अपनी जान जोखिम में डाली और अब जब अमेरिका निकल गया है तो उनकी जान को जोखिम है, तो अब अमेरिका उनकी रक्षा कर रहा है, उन्हें अमेरिकी नागरिक का एक दर्जा देकर। यही कारण है कि जो बिडेन ने उन्हें कहा है, घर में आपका स्वागत है। चलते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। यह खबर जुड़ी है तालिबान से। तालिबान ने पिछले 4 माह में 22,000 हमले किए हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए एक बातें बोली हैं। तालिबान लगातार हमले तेज करता जा रहा है, भले ही यहां पर तालिबान की संख्या 85,000 की हो, अफगानिस्तान की सेना की संख्या 3 लाख की हो, लेकिन तालिबान वालों ने पिछले 4 महीने के अंदर 22,000 हमले करके छोटे मोटे इलाकों पर कब्जा कर लिया है, जबकि बड़े इलाके आज भी अफगानिस्तान की सेना के हाथ में है। चलते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। यह खबर जुड़ी हुई है कल की बहुत बड़ी खबर से, जो कि निकल आई थी अरब सागर से। अरब सागर में इजराइल के तेल टैंकर पर ड्रोन का हमला हुआ है, अमेरिकी नौसेना ने इसकी पुष्टि कर दी है। अब दोस्तों, ये ड्रोन की स्ट्राइक किसने की थी? तो ये ड्रोन की स्ट्राइक की गई थी ईरान की तरफ से। अमेरिकी सरकार ने नौसेना, जिसकी एक पल पल की नजर रहती है अरब सागर के अंदर, वहां पर अमेरिका ने पुष्टि की है इसराइल के तेल टैंकर पर ड्रोन से हुए हमले के अंदर ईरान का एक शक जताया जा रहा है। हालांकि इस हमले के दौरान जो उस पे एक सवार लोग थे उनमें 2 लोगों की मौत हो गई है और यह जानकारी अमेरिकी सेना ने कल दी थी। तेल टैंकर जिसका नाम मर्सर स्ट्रीट था, वो गुरुवार रात को एक हमले का शिकार हो गया ईरान के साथ, जो अमेरिका का परमाणु समझौता टूटने के कारण तनाव की स्थिति बनी हुई है, उससे तेल के दामों को एक बार फिर से बल मिला है। हालांकि देखना होगा इसराइल वाले कौन सी एयर स्ट्राइक ईरान के ऊपर करते हैं। अमेरिका ने यहां पर पुष्टि की है तो साफ बात है कि ईरान की अब जबरदस्त तरीके से ठुकाई होगी। चलते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। यह खबर जुड़ी है पाकिस्तान से। पाकिस्तान आग बबूला हो गया है और चीन भी गुस्से से लाल हो गया है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष भारत बन गया है। जी हां दोस्तों, यह एक बार फिर से भारत के लिए गर्व करने की बात है कि यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को एक बार फिर से एक अध्यक्षता दी गई है। हालांकि 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के तौर पर भारत ने कार्यभार संभाल लिया है और यह 2 साल का कार्यकाल होता है और भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। 15 सदस्यों में से 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं और उन 10 अस्थायी सदस्यों में भारत को 1 जनवरी 2021 को सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया गया था और उसे अपने कार्यकाल के दौरान 2 बार अध्यक्ष बनने का मौका मिलेगा। और अब जब कश्मीर की सिचुएशन खराब है, अफगानिस्तान की सिचुएशन खराब है, तो यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के मंच पर पाकिस्तान को खरी खरी भारत की अध्यक्षता में सुननी पड़ सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे आज की इन खबरों के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।